बात करते हैं कराची से, जहां ताजिरों ने वजीर आजम को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज कर दी। आरिफ अबीद ने वजीर आजम को तजवीज देते हुए कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूं कि आप दो हाथ और मिलाएं, एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं जबकि दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ अबीद ने कहा कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है, हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए, ताजर आगे बढ़े, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे।